फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, फाइनली मैं अभी सुबह सुबह निकला हूँ होटल से, और जैसे ही होटल से निकला हूँ 2-3 किलोमीटर आगे आया हूँ तो देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही खतरनाक। पूरा केबिन ख़त्म हो गया गाड़ी का, ड्राइवर पर बच गया है, सलामत सही सलामत बच गया ड्राइवर, वही है। और जो दूसरी गाड़ी में पीछे से टक्कर हुई है वो गाड़ी में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, और पीछे वाली गाड़ी का पूरा लॉस हो गया। तो चलते हैं आगे, चाय पियेंगे, अभी थोड़ा जाम लगता है इसीलिए निकाल लेते हैं, बड़ौदा पार करके चाय पियेंगे जाके। मैं अभी चल रहा हूँ गोधरा बाईपास में, गोधरा सिटी पार कर आया हूँ। गुजरात का गोधरा तो फेमस है, हर किसी को पता है गोधरा कांड। तो अभी यहाँ से राइट मारेंगे सामला जी राजस्थान के लिए फ्लाईओवर के नीचे से, चलते हैं आपको आगे दिखाएंगे। मैं अभी खाना खा के निकला हूँ होटल से, और ये सामने नदी है, नर्मदा नदी है बहुत बड़ा, और ये गोधरा से आगे पड़ती है मोड़ासा के पास, और ये मंदिर है, और मंदिर के बगल में आश्रम भी है, वो आसाराम का आश्रम है। पुलिस भी लगा है, मेला है आज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीडियो बंद करते हैं, चलते हैं आपका गोधरा मोड़ासा के पास। और यहाँ पे जो है आवारा आपको गाय बैल बछड़ा नहीं देखने को मिलेंगे, ये सब पालतू हैं जो खेत में चर रहे हैं। बराबर रस्सी बांधी हुई है, खूंटा गाड़े हुए हैं, और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फाइनली मैं गुजरात बॉर्डर पहुँच गया हूँ, और यहाँ से अभी 15-20 किलोमीटर आगे राजस्थान बॉर्डर है, तो ये सीधा रोड जाएगा उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जयपुर दिल्ली हाईवे है ये। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, ये पहाड़ है बगल में, और ये बॉर्डर का नाम है सामला जी। आगे राजस्थान बॉर्डर पड़ेगा, वो नाम है वहाँ का रतनपुर। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा गाड़ी खड़ा है, तो सेल टैक्स या कोई कमी हो गया तो पकड़ लेते हैं, तो यहीं खड़ा रहता गाड़ी, नहीं छुड़ा पाते तो यहीं सड़ जाता है गाड़ी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां हैं, और पहाड़ों के बीच से रास्ता है उदयपुर, यहां से भी 20 किलोमीटर बाकी है, तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और जो रोड बना हुआ है वो पहाड़ी से बीचों बीच है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और बारिश का टाइम है तो थोड़ा बहुत, अभी तो बारिश हुआ नहीं, यहाँ बहुत कम बारिश हो रहा है, और जो पहाड़ है पूरा हरा भरा हो गया है बारिश में। तो चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे देखेंगे। अभी उदयपुर बाईपास में खड़ा हूँ, और जाम देख सकते हैं आप, बहुत जाम लगा है, 4-5 घंटे हो गए, पूरा उदयपुर बाईपास में जाम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फाइनली 6-7 घंटे बाद उदयपुर बाईपास से जाम से मैं निकला हूँ, और ज़्यादा बाईपास की लंबाई नहीं, 18-20 किलोमीटर रही था, पर इतना ज़्यादा जाम लगा था कि एक ही जगह पे 4-5 घंटे खड़ा था, और पूरा बाईपास पार करने में अपने को लग गया, 3 बजे लगा था और 10 बजे निकला हूँ, तो 7 घंटे लग गया है अपने को जाम से निकलने में। तो अभी ये उदयपुर के आगे घाट पड़ता है, घाटा वाला माता जी का मंदिर है यहाँ पे, और एक किला भी बना हुआ है लेफ्ट साइड में, चलते हैं आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा एक झलक दिखाने को। तो आप लोग देख सकते हैं जो ट्रैफिक से गाड़ियां निकली हैं वो
बिल्कुल स्पीड बना के ही जा रहे हैं, क्योंकि 6-7 घंटे बर्बाद हो गया। और जो मंडी का माल था तो उसका तो इनाम भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड से दिख नहीं रहा है, नाइट है। लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ पे किला है। चलते हैं फ्रेंड्स, आपको आगे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, फैली उदयपुर पार करके 70-80 किलोमीटर आगे होटल में रोका हूँ। तो अभी खाना वाना खा लिया हूँ, यहीं पे सोएंगे, सुबह निकलेंगे फिर। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।